नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश समाचार नेटवर्क में। मैं अभी रजौन के एक गांव में मौजूद हूं। रजौन प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाला यह गांव चक्रोशन कहलाता है और तकरीबन 65 से 70 घरों का यह बाशिंदा है यहां, और एक घनी आबादी है। सिर्फ मुद्दा यहां के ग्रामीण सड़क के निर्माण को लेकर उठा है। तकरीबन भागलपुर दुमका मुख्य सड़क मार्ग से 932 मीटर की यह दूरी तय करता हुआ चक्रोशन गांव आना पड़ता है, जिसमें कुछ दूरी आने के बाद जो विवाद या विवादित कहा जाए, वो तकरीबन गांव पहुंचने के कुछ ही दूरी पहले एक ज़मीन है। कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बोल्डर वाली ज़मीन को दिखा दिया जाए, जहां कि आज से 20 से 25 वर्ष पहले यह बोल्डर वाली कार्य जो है वो जवाहर योजना के तहत पूरी कर ली गई थी। और जैसे जैसे सरकार ने अपने दायित्व को पूरा किया, हर ग्रामीण क्षेत्रों को अपने नज़दीकी जो मेन सड़क है उससे जोड़ने का काम किया, इसी क्रम में चक्रोशन का भी दिन जो है वो बहुरने का काम आया और यहाँ भी पक्कीकरण कालीकरण सड़कों का निर्माण शुरू किया गया। लेकिन कुछ ही छोटे से विवाद को लेकर यह रास्ता जो है वो गांव से विवादित हो गया, जहाँ कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा सरकार को, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिला के पदाधिकारियों को और जनप्रतिनिधि को कि इस पंचायत में अगर थोड़ा सा ये अपने कर्तव्य को निभाते हुए अगर ध्यान दें तो यह सॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे सामने हैं। आने वाले समय में एक महीने के पश्चात बरसात गिरने वाली है, वर्षा का सीज़न आने वाला है, और ऐसी स्थिति में यहाँ से निकलने वाले स्कूली बच्चे जो कि उच्च माध्यमिक या उच्चतर विद्यालय के विद्यार्थी हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें होंगी। ग्रामीण स्तरों पे जो प्रसूताएँ महिलाएं होती हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, अक्सर बीमार होने के बाद उन्हें जो है चार पहिए वाहन से किसी अच्छे डॉक्टर के पास अगर ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, अकस्मात ये ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो कुछ दूरियां बचती हैं जहां की कालीकरण नहीं हो पाया है, ये काफ़ी मतलब एक तरह से अगर कहा जाए तो उनकी जान पर आफत भी आ सकती है। तो सरकार को पहल करनी चाहिए, ऐसे छोटे छोटे मुद्दे पर अगर एक पहल किया जाए तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। चक्रोशन एक अच्छी बस्ती है, यहाँ से भी बच्चे जो हैं वो देश के भविष्य बनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि इस दिक्कत को जो जल्द से जल्द दूर किया जाए। हमारे सामने कुछ ग्रामीण हैं, मैं बिना किसी के नाम लिए आपको जो दिक्कतें आ रही हैं उसको यहाँ पर व्यक्त करना है, क्योंकि प्रदेश समाचार टीम पूरी टीम आपके सामने आई हुई है और हमारा मकसद होता है गांव ग्रामीण के विकास में जहां जहां रुकावटें आ रही हैं उस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। तो आप सबसे प्रथम अपना नाम बताएं और क्या दिक्कत है इसको संक्षिप्त रूप में बताने का कोशिश करें। सर, मेरा नाम सनोज कुमार यादव है और हम ये गाँव में, मेरा उम्र आज 32 साल है, और जब से ये देख रहे हैं हमको जो हाउस आया है, ये रोड बन चुका है, लेकिन क्या है कि पूरा पक्कीकरण नहीं हुआ है और अभी ये सरकार के माध्यम से ये रोड हो गया और कुछ उलझन के कारण से रोड नहीं बन पा रहा, जिससे हम लोग का बच्चे को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अभी कुछ दिन पहले अभी बरसात हुई थी, एक मेरी दादी का ही स्वास्थ्य खराब हो गया, उसको हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाए, जिससे कि वो पूरा सीरियस हो गया। एक और भी था जो कि बड़ी मम्मी था, उसको भी डॉक्टर के यहाँ लेके नहीं गया पाए और वो डेड कर गया। तो ये सारी दिक्कत हो ही रहा है, आती है, दिक्कत आ रही है। सर, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम दिवाकर कुमार यादव है। दिवाकर जी, आपके 932 मीटर की इस दूरी में कुछ जगहों पर कच्ची या बोल्डर की व्यवस्था पहले से हो रख दिया गया है। जी हाँ, हम लोग को परेशानी हो रहा है, लगा जैसे कि मेरे पिताजी बहुत बूढ़ा है,
उसको लेगने में भी समस्या आ रही है, बच्चे को भी बरसात का मौसम आएगा तब रोड पे छोड़ना होगा, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कच्ची रोड पे चलना ऐसे भी आफत वाली बात हो जाती है। ग्रामीणों की आप बात सुन रहे हैं, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश यादव है। मुकेश जी, कुछ दूरी जो है जिसपे कि पहले से बोल्डर बिछी हुई है और जहां हम अभी खड़े होकर जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहां भी बोल्डर का जो है पहले से ही बिछा हुआ है, मट्टी भी भराई हुई है, तो फिर ये कालीकरण में किस टाइप का रोक है ये? एक आदमी बालेश्वर यादव रोक लगाया है सर। अच्छा। हम जस्ट जब से हाउस में आए हैं तब से ये रोड बना हुआ देख रहे हैं सर। मेरा उम्र हो रहा है 25 वर्ष, 25 वर्ष से इस रोड को हम देख रहे हैं। एक बालेश्वर यादव ने बीच रोड पर लरवा का ताल लगा दिया, ताड़ का गाछ से घेर दिया है सर। बच्चा को स्कूल जाने में बहुत सा दिक्कत करता है, जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग जब आते हैं गाली गलौज भी करता है। और 25 साल से रोड बना हुआ है, बोल्डर बिछा हुआ जवाहर रोजगार योजना से बना हुआ है। सूत्रों से ये प्राप्त सूचना मिली कि यहाँ पर जो है वो प्रखंड स्तर के पदाधिकारी जो है वो पहुँचे हुए थे, तो आप हमें ये बताइए कि आखिर उन्होंने क्या सॉल्व। सरकार महोदय से मेरा निवेदन है कि आप अपना बहुमूल्य समय देने के लिए इस ग्रामीणों की ओर से धन्यवाद। यह रोड 25 से 30 साल पहले बना हुआ है, हम लोग किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था। बालेश्वर यादव, उनका लड़का प्रवीण यादव, प्रमोद यादव ने बलजबड़ी लरवा का टाल लगा दिया, रोड पर पोल गाड़ दिया। जब कहने गए तो हम लोगों को गोली पिस्तौल से खड़े करके मारने दौड़ा। हम लोग परहेज ले लिए, भाई काहे मारपीट करेंगे, चलो। प्रशासन के द्वारा माननीय विधायक जी भी आए, सीओ साहब आए, अमीन साहब आए, कर्मचारी आए, सीआई आए, गांव के जितने भी प्रतिनिधि लोग थे सब लोग भी आए, लेकिन किन्हीं का उन्होंने बात नहीं रखा। और हम लोगों का एक ही रिक्वेस्ट है कि आप रोड बनने दीजिए, ग्रामीण लोग इस पर चलेगा, हम लोगों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बालेश्वर यादव का कहना है कि हम रोड बनने ही नहीं देंगे, दमंगई करता है। एक ही व्यक्ति का नाम बराबर आया जा रहा है, सारे ग्रामीण बिल्कुल एक पक्ष में है, उसके पास दो सारे लोगों का यह सारे लोगों ने यह कहा कि हमें इस रोड से काफ़ी आशाएं हैं, इस रोड के बनने से हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो बिल्कुल भविष्य में सुरक्षित रहेंगे। मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं अपने ज़िला, अपने प्रखंड के पदाधिकारियों से, इस रजौन प्रखंड के अंतर्गत यह गाँव पंचायत का नाम राजाबर पंचायत के प्रतिनिधियों से कि आप स्वयं आकर एक बार यहाँ हैं ग्रामीणों की, इन्हें बिल्कुल अपने माध्यम से सॉल्यूशन करने का एक कर्तव्य निभाएं। अगर यह सॉल्यूशन हो जाता है तो यह चक्रोसन गांव आने वाले दिनों में, आने वाले समय में काफ़ी और आगे बढ़ेगा, ऐसी हमारी आशा है, ऐसी हमारी इस गांव से अपेक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गोपाल कश्यप, कैमरा पर्सन रितेश झा के साथ रजौन चक्रोशन। राजावर पंचायत का यही वह मुहाना है, यही वह अंतिम छोर है जहां से गांव की दूरी तकरीबन 100 मीटर मात्र बचती है। 100 मीटर नहीं सर, तो 70 फीट की दूरी बचती है, और यहीं पर यह मुद्दा जो है सबसे विभत्सन रूप ले रहा है। इसी मुद्दे को उठाते हुए प्रदेश समाचार नेटवर्क की टीम यहां आई है कि अगर यह सॉल्यूशन जिला प्रशासन के द्वारा प्रशासनिक स्तर पर अगर की जाए, इस पर अगर पहल की जाए, तो यहां के अधिकतर ग्रामीणों का जो इस सड़क के माध्यम से उन्नति की ओर जो बढ़ता हुआ कदम है वह आगे बढ़ जाएगा। और थोड़ी सी जो यहाँ के पहले मैंने क्लिप तैयार की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर, वो जगह भी बोल्डर बिछी हुई है और इस सामने वाली जगह पर भी बोल्डर बिछी हुई है। क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ प्रश्न है जो काफ़ी मायने रखता है। और इसी प्रश्न को यहाँ उजागर करते हुए जो पुराने आज से 20 से 25 साल पहले जिस ग्रामीण स्तर पर इस कार्य को किया जा चुका है, यह कार्य जो है वो जवाहर योजना के तहत और फिर बोल्डर, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार के तहत बोल्डर की बिछाई और पक्कीकरण का कार्य जो हाल फिलहाल कंप्लीट हुआ है, इस पर
यह गहन मुद्दा बन जाता है। यह एक जो पिछड़ा हुआ गांव है, जो इस सड़क के निर्माण के बाद जो है काफ़ी अग्रिम पंक्ति पे खड़ा होना चाहता है। यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो काफ़ी व्याकुल हैं। इस जो गंभीर समस्या आई है, इसको जल्द से जल्द दूर करने के लिए, तो मैं फिर से एक बार ये बिहार सरकार की तरफ से जो यहाँ के बांका के ज़िला अधिकारी हैं, फिर जो इस रोड की जो तैयारी की जाती है, इनके जो अधिकारी हैं या प्रखंड लेवल कार्यपालक अभियंता, या फिर जो आपके प्रखंड लेवल के जो प्रखंड स्तर के जो अधिकारी हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार ज़रूर इस मुद्दे पर विचार किया जाए, और अगर सॉल्यूशन निकलता है तो जल्द से जल्द इस गांव को जो मुख्य सड़क मार्ग है उससे जोड़ने की कृपा की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।